स्टूडेंट्स हूँ आप लैसन 19 करन जा रहे हैं। ये अपन प्रोपर्टीज़ है जड़ी कि अपन पता होनी चाहिए। अपन न्यूमेरिकल पार्ट कर चुके हैं काफ़ी, बट अलोंग विद दैट नॉलेज ले ही अपन ये वाला सब कुछ पता होना चाहिए कि रूल्स की है मैट्रिसेस दे। तो सब तो पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन करन लगे हैं अपन। सब तो पहली प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव लॉ। कॉमोटेटिव लॉ आप पहला भी देखे हुए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब मैट्रिसेस ए पहला रख लिए बी नू दूजे नंबर पर रख लिए या बी नू पहला रख लिए दूजे नंबर पर ए रख लिए तो एडिशन च कोई फर्क नहीं आता। बट ये ध्यान रखना है कि ए ते बी सेम ऑर्डर दे मैट्रिसेस होने चाहिए क्योंकि एडिशन ताई पॉसिबल है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ देखिए, तो अपने को तीन मैट्रिसेस है ए बी सी, ए भी तिने सेम ऑर्डर दे होने चाहिए क्योंकि एडिशन फिर ही पॉसिबल है। तो एसोसिएटिव लॉ आप इस तरह लिखते होंगे कि ए प्लस बी पहला कर लो जो आंसर आऊगा मैट्रिक्स वो बाद सी च ऐड कर लो, या फिर बी ते सी नू पहला ऐड कर लो जो मैट्रिक्स बनेगा उनू ए च ऐड कर लो। तो दैट मीनस आंसर दोनों के की आ जाते हैं सेम। यदा मतलब की है अपन एक फ्रीडम मिलती है कि आप मैट्रिसिस किसी भी ऑर्डर च ऐड कर सकते हैं। नैक्सट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आप देखना कि किसी मैट्रिक्स के ऐड करिए कि उ मैट्रिक्स आ जाए। देखो ए दे प्लस की करिए इतने ब्लैंक छड़ी है मैं, फिर ए दे प्लस लैफ्ट ब्लैंक छड़ी है, मतलब की ऐड करिए कि ए ही आ जाए दोबारा। तो बच्चे जोड़े है यदा आंसर देंगे जीरो ऐड करो, बट आप जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो है जोड़ा एक नंबर है, अपन जवाब देना पेगा मैट्रिसिस दे। इतने अपन सही वर्ड की बनता है कि जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स को रीप्रजेंट किमें करना है बोल्ड जीरो, सिंपल जीरो नहीं रीप्रजेंट करना तो बोल्ड जीरो। हूँ जे अपन कोई पूछे कि मैट्रिक्स दे एडिशन की आइडेंटिटी की है तो आप बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, कली जीरो नहीं बोलना अपना जीरो मैट्रिक्स बोलना। नैक्सट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो हूँ आप पूछ रहे कि किसी मैट्रिक्स के ऐड करिए कि वह आइडेंटिटी बन जाए आपकी, आइडेंटिटी जी आप पहला सीखी है एडिशन की आइडेंटिटी। ए दे राइट पर की ऐड करिए या ए दे लैफ्ट की ऐड करिए कि अपने को एडिशन की आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी एडिशन की है जीरो आ जाए। मतलब तो आप कहेंगे ए दे विच की ऐड करिए अपना नैगेटिव टाइम, तो ए दे विच माइनस ए करांगे अपना तो की आ जाएगा आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स। जिमें इतने अपन कोई कहें कि ए मैट्रिक्स तुम्हें यह देता वन माइनस टू माइनस थ्री फाइव, यदा एडिटिव इनवर्स की होएगा। तो एडिटिव इनवर्स करने की करना असी ये सारिया के साइन चेंज कर दें। देखो तो यह बन गया यदा एडिटिव इनवर्स माइनस वन टू थ्री माइनस फाइव, ये साइन चेंज करके। नैक्सट प्रोपर्टीज़ आप करन लगे हैं प्रोपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स नू किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करन दे या प्रोपर्टीज़। इत्थे देखो के की है स्केलर है, ए ते बी दोने मैट्रिसेस है, तो इत्थे प्रोपर्टी दस रही है कि पहला ए ते बी मैट्रिसेस नू ऐड कर लो जो मैट्रिक्स आऊगा उन्हों बाद च स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर लो। स्केलर कुछ भी हो सकता है तीन पाँच माइनस सैवन, या फिर वो कहता है कि पहला के नू ए नाल मल्टीप्लाई कर लो, के नू बी नाल भी मल्टीप्लाई कर लो बाद च ऐड कर लो। जे आप इनू ध्यान नाल देखिए तो यह सेम ही है जिवें आप ब्रैकेट ओपन करते हैं उस तरह ही ब्रैकेट ओपन की भी है। नैक्सट के प्लस एल, ये दोनों स्क्वायलर है जिवें फाइव तो थ्री है, इतने कैपिटल ए है, तो पहला आप कर सकते हैं पाँच तो तीन ऐड करके अठ बनाओ बाद चुनू ए मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ए भी उमें ब्रैकेट ही ओपन हुई भी है के इन टू भी दिखाया है एल इन टू ए, मतलब पहला फाइव है जोड़ा उन्होंने ए मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर लो जो आप के नू फाइव मानते हैं, एल जे अपना थ्री है तो उन्होंने ए मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर लो, जदों दोनों मैट्रिसेस आ गए बाद उन्होंने ऐड कर लो। तो एक तरह इनू भी आप इस तरह कह सकते कि ब्रैकेट ओपन करने वाला ही दिखाया गया अपन। नैक्सट जिमें इतने दो स्केलर है के इन टू एल, तो वह कहता पहला दोनों मल्टीप्लाई कर लो बाद ए मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर लो। इतने वो कहता कि तुम ये भी कर सकते हो कि पहला कल्ला एक स्केलर ए मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई हो जाए, जो भी मैट्रिक्स आऊगा उन्होंने बाद दूसरे स्क्वायलर ना मल्टीप्लाई कर लो, या फिर तुम पहला के जड़ा स्क्वायलर है उन्होंने ए ना मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स ना, जो मैट्रिक्स आऊगा उन्होंने बाद दूजे स्क्वायलर ना मल्टीप्लाई कर लो। तो इतने अपने को एक फ्रीडम है कि आप स्क्वायलर है जोड़ा उस चो किसी भी पहला मल्टीप्लाई कर सकते हैं
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।